students, I'm Sangeeta from Takshila Model School, and today in this lecture we will be continuing our chapter number 5, that is our nervous system. और जो टॉपिक हम आज कवर करेंगे वो है स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. अब स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट लेक्चर में पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम किए थे. पार्ट्स ऑफ नर्वस सिस्टम कौन कौन से हैं हमारे? पहले आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. हमने इन तीनों पार्ट्स में से ब्रेन डिस्कस किया था. ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं वो डिस्कस किए थे. ब्रेन के कौन कौन से थ्री पार्ट्स होते हैं? सेरिब्रम, जो बिग ब्रेन कहलाता है, सेरिबेलम, जो स्मॉल ब्रेन कहलाता है, और थर्ड पार्ट जो होता है ब्रेन का, मेडुला. इन सब की जो वर्किंग है, इन सब के जो फंक्शन है वो हमने डिस्कस कर लिया था. नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है वो हमने डिस्कस कर लिया था. आज हम जो नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट है, स्पाइनल कॉर्ड, वो पढ़ेंगे. नर्वस सिस्टम का फर्स्ट पार्ट कौन सा था? ब्रेन, जो हमने पढ़ लिया है. नर्वस सिस्टम का सेकेंड पार्ट, स्पाइनल कॉर्ड, वो अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम का जो थर्ड पार्ट है, नर्व्स, उसके बारे में. पर सबसे पहले चलते हैं हम स्पाइनल कॉर्ड पे. अब स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? स्पाइनल कॉर्ड, अगर हम नॉर्मली इसको समझें कि स्पाइनल कॉर्ड है क्या, सबसे पहले तो स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर क्या होता है वो जानते हैं. स्पाइनल कॉर्ड जो होती है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, जैसे एक मोटा वायर होता है, एक वायर की तरह है और लंबी होती है, एक जैसे मोटा वायर है उसकी तरह ये दिखती है. अब स्पाइनल कॉर्ड इज अ लॉन्ग कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. स्पाइनल कॉर्ड की शुरुआत कहां से होती है? हमारे ब्रेन का जो थर्ड पार्ट होता है मेडुला, मेडुला जो बिल्कुल यहाँ पर सेरिबेलम के नीचे प्रेजेंट होता है, सेरिबेलम के नीचे जो मेडुला होता है, मेडुला के बिल्कुल नीचे से शुरुआत हो जाती है स्पाइनल कॉर्ड की. एक तरह से मेडुला से निकल जाती है स्पाइनल कॉर्ड. अब ये स्पाइनल कॉर्ड मेडुला से निकल के हमारे पूरे बैक बोन में नीचे तक रन करती है. अब ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, बेसिकली हमने अभी बताया ये कॉर्ड जैसा स्ट्रक्चर होता है. कॉर्ड यानी जैसे मोटा एक वायर होता है, एक थिक वायर होता है, उसके जैसे दिखती है. लेकिन असल में ये है क्या? दिखती तो ये वायर जैसी है. ये है क्या, किसकी बनी होती है? ये बनी होती है नर्व्स की. नर्व्स क्या होती है? नर्व, जिसको हम हिंदी में नसें बोलते हैं, जो हमारी नसें होती हैं, उसका एक बंडल होता है. मतलब काफी सारी नसें आपस में अगर हम मिला दें तो वो क्या है? हमारी स्पाइनल कॉर्ड. और ये स्पाइनल कॉर्ड हमारी ऊपर से लेके नेक से लेके नीचे तक हमारी ट्रेवल करती है. अब स्पाइनल कॉर्ड एक तरह से हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो ये काफी डेलिकेट, एक नाजुक जो है पार्ट हो जाता है, तो इसको प्रोटेक्ट करना हो जाता है बहुत जरूरी. तो ये स्पाइनल कॉर्ड किससे प्रोटेक्ट होती है? स्पाइनल कॉर्ड को कौन प्रोटेक्ट करता है? जैसे हमारी ब्रेन भी जो है एक डेलिकेट ऑर्गन है, उसको कौन प्रोटेक्ट करता था? स्कल. इसी तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो नीचे रन कर रही है पूरे बैक पे हमारे, उसको कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? आर स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. अब वर्टिब्रल कॉलम का दूसरा नाम बैकबोन भी होता है और उसको हम स्पाइन भी बोल देते हैं. तो एक तरह से वर्टिब्रल कॉलम और बैकबोन, इट प्रोटेक्ट्स आर स्पाइनल कॉर्ड. हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम होता है, जिसके बारे में आपने स्केलेटल सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा था, हमारा जो वर्टिब्रल कॉलम है वो हमारे पूरे बैक पे जो है पीछे से रन करता है, नेक से लेके नीचे तक. तो वहां पर उसके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है प्रोटेक्टेड होती है. फॉर एग्जाम्पल, ये वर्टिब्रल कॉलम है, इस तरह से अलग अलग वर्टिब्रे होते हैं कॉन्टिन्यूटी में, उसके अंदर से एक तरह से ये जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड इस तरह से, ये बाहर है वर्टिब्रल कॉलम, इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है. तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड हमारी जो है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है और उसको नुकसान नहीं पहुंचता. नेक्स्ट, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसका काम क्या है? इट लिंक्स ब्रेन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है उसमें से, फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड बाय वर्टिब्रल कॉलम. अब जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है इसमें से क्या होती है? नर्व्स निकलती हैं और ये नर्व्स पूरी बॉडी में फैलती हैं जाके. नर्व्स का काम क्या होता है? नर्व्स आर अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. तो नर्व्स क्या करती हैं? हमारे मैसेजेस को लेकर आती हैं, लेकर जाती हैं ब्रेन से.
प्लस स्पाइनल कॉर्ड से भी। तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो नर्व्स को एक तरह से पूरी बॉडी में पहुंचा रही है, तो एक तरह से वो ब्रेन को हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी से कनेक्ट कर रही है। मतलब हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उससे मैसेज आता है, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होते हुए ब्रेन तक जाता है, फिर ब्रेन डिसाइड कर लेती है कि करना क्या है, फिर वो मैसेज वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए वापस उन नर्व्स से ऑर्गन के पास जाता है। तो एक तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ब्रेन और ऑर्गन के बीच में, वो ब्रेन और ऑर्गन के बीच में ब्रिज का काम करती है। ये रही ब्रेन, ये रही स्पाइनल कॉर्ड और ये रहे हमारे बॉडी ऑर्गन्स। अब मान लो कोई मैसेज आया ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के पास गया, ब्रेन ने डिसाइड किया कि करना क्या है, फिर वो मैसेज ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ऑर्गन्स के पास चला जाएगा। तो इस तरह से जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो एक मैसेज के लिए ब्रिज का काम करती है। मतलब जो भी मैसेज है, चाहे वो ऑर्गन से ब्रेन की तरफ जा रहा है या ब्रेन से वापस ऑर्गन की तरफ आता है, वो किससे होते हुए जाता है, किसको पास करता है, हमेशा स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज पास करके जाएगा ही जाएगा। नेक्स्ट, जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है ये किस तरह के एक्शंस को कंट्रोल करती है, क्योंकि ब्रेन हमारी क्या है, ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये हमारे सारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करती है। स्पाइनल कॉर्ड ये भी हमारे नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो इसका काम क्या है, हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये हमारी बॉडी के ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करती है। ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं मतलब जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिसमें ऐसे एक्शन जिनको सोचने में हम टाइम नहीं लगाते, जो अपने आप हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी यहाँ पर हम अभी ब्रीफली जानते हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करती है। ऑटोमेटिक एक्शन फॉर एग्जाम्पल कैसे, मान लो कोई भी गर्म प्लेट है, आपने उसको गलती से टच कर दिया, तो आप एकदम से हाथ रिमूव कर लेते हो, एकदम से हाथ रिमूव हो गया तो वो जो रिमूवल है आपके हैंड का, आपका हाथ का जो दूर ले जाना हुआ, वो जो एक्शन है वो ऑटोमेटिक हुआ, हो गया अपने आप। आपने ऐसा तो नहीं है कि थोड़ी देर वहां पे रख के सोचा कि हाथ हटाना है या नहीं हटाना, जैसे ही गर्म लगा अपने आप हटा एकदम से, तो वो जो है ऑटोमेटिक एक्शन है। और वो एक्शन आपका किसने लिया है, स्पाइनल कॉर्ड ने। तो ये जो डिसीजन था हाथ को हटाने का, ये कौन से पार्ट ने लिया, दिस इज टेकन बाय योर स्पाइनल कॉर्ड। तो इस तरह से स्पाइनल कॉर्ड जो है इस तरह के एक्शंस को जो है हमारी बॉडी के, वो उनको कंट्रोल करती है। अब स्टूडेंट्स बारी आती है नर्वस सिस्टम के थर्ड पार्ट की, नर्व्स की। नर्व्स जो होती है वो हमारे नर्वस सिस्टम का एक पार्ट होती है। नर्व्स यानी कि हिंदी में जिसे हम बोलते हैं नसें। अब नर्व्स जो होती हैं वो कंडक्टर होती हैं इंफॉर्मेशन का। कंडक्टर मतलब कंडक्ट करना, यानी कि पास करना किसको, इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक लेकर जाती है, फिर ब्रेन से लेकर भी आती है। एक तरह से जो मैसेज आता है वो किसके थ्रू आता है, नर्व्स के थ्रू ट्रेवल करता हुआ आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारी वायर होती है, वायर में करंट जाता है, उसी तरह से नर्व्स में हमारा जो है मैसेज जाता है और ब्रेन से वापस आता है। इस तरह से जो है नर्व्स में मैसेज ट्रेवल करता है। अब ये नर्व्स किसकी बनी हुई है, जैसे हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक बंडल होती है नर्व्स का, इस तरह से जो हमारी नर्व्स होती है वो किसकी बनी है, हमारी नर्व्स बनी है नर्व सेल्स की। नर्व सेल को हम बोलते हैं न्यूरॉन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा जो नर्व सेल है उसका एक पर्टिकुलर नाम है। क्या नाम है उसका, न्यूरॉन। सो व्हाट इज न्यूरॉन, न्यूरॉन इज नर्व सेल जिससे मिलके हमारी नर्व्स बनी है। अब सेल क्या होता है, हमारा जो है बेसिक यूनिट होता है, जैसे हमारी पूरी बॉडी बनी है, छोटे छोटे सेल से मिलके हमारी पूरी बॉडी बनी है। अलग अलग तरह के बॉडी सिस्टम है, अलग अलग तरह के सेल है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कौन से सेल का बना हुआ है, नर्व सेल का, और उस नर्व सेल का नाम हमने रखा है न्यूरॉन। तो एक तरह से न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम वाला सेल होता है। अब ये जो न्यूरॉन होता है ये दिखता कैसा है, हमारा जो न्यूरॉन होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। हो गया ना वायर जैसा स्ट्रक्चर, जैसे करंट जाता है वायर से, इसी तरह से मैसेज जाता है न्यूरॉन से।
तो कुछ इस तरह का जो है न्यूरॉन दिखता है। ये सेल वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट है ये कहलाता है एक्सन। ये जो लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारा न्यूरॉन का वो कहलाता है एक्सन। और ये जो आपको ब्रांचेस यहाँ पे निकलती हुई नजर आ रही हैं, ये ब्रांचेस ये कहलाती हैं डेंड्राइट्स। क्या कहलाती हैं? डेंड्राइट्स। तो ये मेन जो डेंड्राइट्स और एक्सन ये पार्ट्स आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है न्यूरोन का स्ट्रक्चर। सो स्टूडेंट्स, एक तरह से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो कौन से सेल का बना हुआ है? न्यूरॉन्स का बना हुआ है। अब हमारी नर्व जो है वो भी न्यूरॉन्स की बनी हुई है। तो हमारा जो ब्रेन होता है, हमारे ब्रेन में कम से कम 10 बिलियन और मोर देन 10 बिलियन नर्व सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये मैसेज लेकर भी जाते हैं और मैसेज लेकर भी आते हैं। एग्जाम्पल, हमारे हाथ पे एक मच्छर बैठा। अब वो जो मच्छर बैठा है, मान लो उसने हमें बाइट किया तो हमें एक सेंसेशन हुई। वो सेंसेशन वाला मैसेज हमारे नर्व सेल ने जो है कैच किया। फिर वो हमारा जो नर्व सेल है उस मैसेज को नेक्स्ट नर्व सेल को देगा, फिर वो नर्व सेल नेक्स्ट नर्व सेल को देगा। इस तरह से एक नर्व सेल दूसरे नर्व सेल को मैसेज पहुंचाता हुआ एक के बाद एक नर्व सेल के पास जाता जाता है मैसेज, और फिर वो मैसेज पहुंचता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन के पास। फिर ब्रेन हमारी उस मैसेज को प्रोसेस करती है, डिसाइड करती है, फिर वो मैसेज वापस हमारा जो है नर्व से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आता है हमारे हैंड के पास। और ये वापस भी कैसे आया है? एक नर्व सेल से दूसरे नर्व सेल के पास, फिर नेक्स्ट के पास, फिर नेक्स्ट के पास। इस तरह से ये आया है और हमारे हैंड तक पहुंचा है, हमारे हैंड की मसल्स तक पहुंचा है। और क्या मैसेज आया? कि हमें हैंड एक तरह से हटा लेना है, रिमूव कर देना है, ताकि वो मच्छर जो है उड़ जाए। तो इस तरह से जो है हमारा नर्व सेल, हमारा नर्वस सिस्टम जो है काम करता है। अब स्टूडेंट्स, जो हमारी नर्व्स होती हैं वो होती हैं तीन तरह की, 3 types of nerves आते हैं। अब 3 type of nerves होती हैं, तीनों का अलग अलग काम है। सबसे पहले आती है हमारी सेंसरी नर्व। जो सेंसरी नर्व होती है, जैसे नाम से पता चल रहा है, सेंस करती है। तो ये कौन से जो है ऑर्गन से ओरिजिनेट करती है, एक तरह से कौन से ऑर्गन से मैसेज लेकर आती है? सेंस ऑर्गन से। फॉर एग्जाम्पल, किस तरह के मैसेज लेकर आती है? जैसे लाइट वाला कोई मैसेज है, कोई जैसे साउंड वाला जो है स्ट्यूमुलाई है, टच वाला जो स्ट्यूमुलाई, स्ट्यूमुलाई मतलब जो सेंसेशन होता है। तो लाइट वाला सेंसेशन, साउंड वाला सेंसेशन, टच वाला सेंसेशन, ये सारे सेंसेशंस को हमारी कौन सी नर्व्स पिक करती है? सेंसरी नर्व्स। तो सेंसरी नर्व सेंस ऑर्गन से ये मैसेज लेकर ब्रेन तक लेकर जाती है। तो सेंसरी नर्व्स क्या काम करती है? मैसेज उठा के कहां से? सेंस ऑर्गन से। किसके पास लेके जाती है? ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड के पास। अगर वो ऑटोमेटिक एक्शन लेना है तो किसके पास लेके जाएगी? स्पाइनल कॉर्ड के पास। नेक्स्ट नर्व आती है मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या करती है? मोटर नर्व का काम इसके ऑपोजिट है। ये ब्रेन से मैसेज लेकर आती है वापस किसके पास? मसल्स के पास। क्योंकि जब ब्रेन ने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या एक्शन, हमें हाथ को जो है मूव करना है, पैर को मूव करना है, तो हमारी जो ब्रेन है, हमारी जो पैर की या फिर हाथ की मसल्स हैं वो काम करेंगी। तो एक तरह से मोटर नर्व्स ने ये मैसेज ब्रेन से किसके पास ले जाके दिया है? मसल्स के पास लेकर ले जाके दिया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हैंड की मसल्स को ले जाके दिया है कि हैंड को मूव करना है, लेग की मसल्स को मैसेज दिया है कि लेग को मूव करना है। तो मैसेज ब्रेन से मसल्स के पास लेकर आना, लेकर आने का काम मोटर नर्व्स का है, लेकर जाने का काम सेंसरी नर्व का है। ठीक है, उसके बाद आती है मिक्स्ड नर्व्स। मिक्स्ड यानी कि ये दोनों का काम करेगी, सेंसरी का भी कर देगी और मोटर का भी करेगी। फॉर एग्जाम्पल, ये सेंस ऑर्गन से मैसेज ब्रेन के पास लेकर भी चली जाएंगी और वापस ब्रेन से मैसेज मसल्स के पास लेकर भी आ जाएगी। तो ये होती है हमारी 3 तरह की नर्व्स। सेंसरी नर्व्स इन शॉर्ट मैसेज ब्रेन तक लेकर जाती है, मोटर नर्व्स इन शॉर्ट ब्रेन से मैसेज लेकर आती है, और मिक्स नर्व्स दोनों काम करती है, लेकर जाती भी है और लेकर आती भी है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शंस। तो रिफ्लेक्स एक्शंस कौन से होते हैं? जैसे हमने अभी बताया, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो ऑटोमेटिक एक्शंस को कंट्रोल करती है, रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। तो अब हम समझते हैं कि रिफ्लेक्स
एक्शंस क्या होते हैं, रिफ्लेक्स एकदम से अपने आप होना ऑटोमेटिक। तो रिफ्लेक्स एक्शंस जो होते हैं वो ऑटोमेटिक एक्शंस होते हैं एक तरह से, जो खुद ब खुद हो जाते हैं, जिन्हें सोचने में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते, जिनको डिसाइड करने में हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। और ये जो एक्शंस होते हैं इनको हमारे नर्वस सिस्टम का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो दीज रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय आवर स्पाइनल कॉर्ड। जो भी ऑटोमेटिक एक्शंस है जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना हमें सोचने में, क्योंकि ये इस तरह के एक्शंस होते हैं जहां पर हमें नुकसान हो सकता है, जहां पर हमारी बॉडी को इंजरी हो सकती है, हार्म हो सकता है, तो वो एक्शंस हमें फटाफट लेने होते हैं। तो उन एक्शंस को हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि मैसेज जो है ब्रेन के पास जाए। हालांकि हमारी जो ब्रेन है बहुत जल्दी जो है क्विक जो है डिसीजन ले लेती है, फिर भी स्पाइनल कॉर्ड जो है और भी क्विक डिसीजन लेती है, जहां पर हमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना सोचने में, क्योंकि हमारी बॉडी को नुकसान हो सकता है। तो रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कॉर्ड जो है कंट्रोल करती है। फॉर एग्जाम्पल कफिंग, जो हम खांसते हैं, स्नीजिंग, छींकना, अब हम ज्यादा देर तक छींक नहीं रोक सकती है, नहीं रोक सकते और ना ही रोकनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकती है। नेक्स्ट ब्लिंकिंग जो होती है हमारी आई की, जो हम आंखें ब्लिंक करते हैं, ये जो ब्लिंकिंग है आई की, ये भी एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है, और इसको भी कौन कंट्रोल करता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। तो ये जो रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं एक तरह से, अगर इसको हम शॉर्ट में बोलें तो ये क्विक होते हैं क्योंकि ये फटाफट लिए गए हैं, दूसरा ये ऑटोमेटिक होते हैं जो खुद ब खुद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी गर्म चीज को छुआ भी तो एकदम से हाथ हटा लेते हैं, अगर हम सोचने में टाइम लगा दें कि हटाना है नहीं हटाना, अगर हम उसको सोचेंगे तो इतने में हमारा हाथ जल जाएगा, तो वो हमने एकदम से हाथ हटाया, क्विक था, बहुत जल्दी से हटाया, दूसरा ऑटोमेटिक था, खुद ब खुद हट भी गया, हमने ज्यादा सोचा नहीं, अपने आप हट गया। तो ये जो एक्शन हुआ हाथ रिमूव करने का, वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। इसको अब हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है कैंडल फ्लेम को टच कर दिया गलती, जब कैंडल फ्लेम क्या होती है, हॉट होती है, एंड वी नीड टू रिमूव आवर हैंड बिफोर इट गेट्स बर्न्ड। तो इससे पहले कि हमारा हाथ जल जाए हमें हाथ हटाना जरूरी है। तो किस तरह से मैसेज जाएगा हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास, क्योंकि एकदम से हम हाथ हटाएंगे और ये होगा रिफ्लेक्स एक्शन, और कंट्रोल कौन करेगा, स्पाइनल कॉर्ड करेगी। तो देखते हैं कैसे कंट्रोल कर। मान लो वी टच द कैंडल फ्लेम और एनी हॉट ऑब्जेक्ट, कोई भी गर्म चीज हमने छू दी, तो मैसेज गया हमारा फटाफट किसके पास, स्पाइनल कॉर्ड के पास। दिस इज स्पाइनल कॉर्ड एरिया, ठीक है। कौन सा नर्व लेके गया, कौन सा न्यूरॉन, सेंसरी जो नर्व है, क्योंकि वो मैसेज लेकर जाती है, सेंसरी नर्व लेकर गई, ठीक है। ब्रेन ने स्पाइनल कॉर्ड ने फटाफट डिसाइड किया और फटाफट जो है मैसेज जो है वापस आया, कौन लेकर आया, मोटर नर्व्स लेकर आया, क्योंकि मोटर नर्व्स मैसेज लेकर आने का काम करती हैं, ठीक है। किसके पास लेकर आई, हैंड्स की जो मसल्स हैं उनके पास लेकर आई, क्योंकि मसल्स ही हमारे हैंड को मूव कर पाएंगी। तो हम ये मैसेज गया मसल्स के पास और हमारी मसल्स मूव हुई और हमने फटाफट से हाथ हटा लिया और हमारा हाथ जो है जलने से बच जाता है। इस तरह से जो है रिफ्लेक्स एक्शन काम करता है, मैसेज लेकर जाता है कौन, सेंसरी नर्व्स, और लेकर आती है कौन, मोटर नर्व्स, स्पाइनल कॉर्ड से, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस को कंट्रोल करती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, डू कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम, बी सेफ।